एक बार की बात है, सोनापुर नामक गांव में अंजलि अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। अंजलि के माता पिता अंजलि से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया करते थे, लेकिन अंजलि हमेशा उदास रहा करती थी क्योंकि उसके दोस्त नहीं थे। वह बाहर जाती तो सब उसका मजाक उड़ाया करते थे, उसके ऊपर हंसा करते थे, जिस वजह से अंजलि बहुत दुखी रहा करती थी। और सब अंजलि का मजाक इसलिए उड़ाया करते थे क्योंकि उसका रंग काला था, जिस वजह से गोरी लड़कियां उसके ऊपर हंसा करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अंजलि की माँ अंजलि से कहती हैं, अंजलि बेटा, तुमने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, तुम्हारे पिताजी एक रेस्टोरेंट में पार्टी दे रहे हैं, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मम्मी, मेरा बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, घर पर ही हम सेलिब्रेट कर लेते हैं, बाहर जाऊंगी तो सब मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे, आप तो अच्छी तरह से जानते ही हैं। मेरी प्यारी बेटी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, इंसान की असली सुंदरता उसके दिल से होती है, उसके स्वभाव से होती है कि वह इंसान कैसा है। रंग रूप से इंसान सुंदर नहीं होता, लोगों का क्या है, उन्हें तो बात करने की आदत है, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अंजलि को अपनी माँ की यह बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वह तैयार होकर अपने माता पिता के साथ पार्टी करने चली जाती है। अंजलि और उसके माता पिता पार्टी बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद तीनों घर आ रहे थे कि तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में अंजलि के माता पिता की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है और अंजलि को भी चोटें आती हैं। जब उसे होश आ जाता है तो वह डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, मेरे माता पिता कहाँ हैं? बेटा, हमें तुम्हें यह बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि अब तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने तुम्हारे रिलेटिव को फोन कर दिया है, वह बस अभी आते ही होंगे। अंजलि डॉक्टर की यह बातें सुनकर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। कुछ समय बाद अंजलि के चाचा भी वहाँ पर आ जाते हैं। चाचा जी, यह क्या अनर्थ हो गया, माँ पिताजी मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चले गए। एक वही तो थे जो मुझे संभालते थे, इस जालिम दुनिया से बचाते थे, अब वही नहीं रहे, मैं कैसे रहूंगी अपने माता पिता के बिना, वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए चाचा जी, अब मैं अकेली कैसे रहूंगी, कैसे। अंजलि बेटा, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। इस तरह से अंजलि और उसके चाचा बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोते हैं। कुछ समय बाद अंजलि के माता पिता का दाह संस्कार हो जाता है। चाचा अंजलि को अपने साथ घर लेकर आ जाते हैं। अंजलि को देखकर चाची सावित्री आग बबूला हो जाती हैं और वह अपने पति से कहती हैं, अजी, आप तो कह रहे थे कि अपने भैया भाभी का दाह संस्कार कर वापस आ जाएंगे, लेकिन आप इस काली कलूटी मनहूस को अपने साथ उठाकर क्यों लेकर आ गए? क्या आपको पता नहीं, यह मनहूस है मनहूस, पहले अपने माता पिता को खा गई और अब हमारे घर में आकर मनहूसत फैला रही है। देखिए जी, आप इसे जहाँ से लेकर आए हैं वहीं पर छोड़कर आ जाइए, मैं इस काली कलूटी को अपने घर में नहीं रखूंगी। अरे भाग्यवान, तुम भी हद करती हो, यह बेचारी अकेली कैसे रह सकती है, हमारे सिवा इसका कोई नहीं है। देखो अब तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, अंजलि तो हमारे साथ ही रहेगी। सावित्री अपने पति सुमित के सामने कुछ नहीं कह पाती और उसे ना चाहकर भी अंजलि को अपने साथ रखना पड़ता है। चाचा के काम पर जाने के बाद सावित्री अंजलि को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, ओ काली कलूटी मनहूस, तू यहाँ पर आराम करने नहीं आई, यह तेरा अपना घर नहीं है, यह मेरा घर है, मेरा। सुमित के सामने मैंने तुझे कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे यहाँ मुफ्त में रोटी तोड़ने दूंगी, चुपचाप घर के काम कर, मैं तुझे बिठाकर खिलाने वाली नहीं हूँ, मनहूस। अंजलि चुपचाप काम करने चली जाती है। बेचारी सुबह से लेकर शाम तक घर के सारे काम करती है, सफाई से लेकर कपड़े धोने तक, खाना बनाने तक। उसके बाद सावित्री उसे अपने आगे का बचा कुचा खाने के लिए देती है। ऐसे ही दुखों की भरी जिंदगी अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अंजलि अपनी चाची के घर व्यतीत कर रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सावित्री की बेटी नैना की कुछ दोस्त घर पर आती हैं। नैना अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर रही थी, तभी उसके दोस्तों की नज़र अंजलि के ऊपर पड़ती है तो वह नैना से कहती हैं,
अरे यार नैना, यह तेरे घर में कौन है? क्या तुमने नई नौकरानी रखी है? आज से पहले तो मैंने तुम्हारे घर पर इसे कभी नहीं देखा। वैसे यार इसे देखकर कितनी हंसी आ रही है, यह कैसी है, काली कलूटी पर सूरत। चल चल इस नौकरानी को हमारे पास बुला, इसके साथ थोड़े से मजे लेते हैं, बहुत मजा आएगा। ओ हेलो नौकरानी, चल इधर आ। हाँ हाँ तो सही कह रही हूँ, तेरे सिवा और कोई भी है इस घर में नौकरानी? अंजलि नैना और उसके दोस्तों के लिए चाय लेकर आती है, तभी उसकी दोस्त कहती है, नहीं नहीं नैना यार, हम इसके हाथ की बनी चाय नहीं पियेंगे। अगर हम इस काली कलूटी की बनी चाय पियेंगे तो हम भी इसी की तरह बदसूरत हो जाएंगे, हमारी सुंदरता तो खराब हो जाएगी। वैसे नैना मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, तेरे घर में वो भी इतनी काली लड़की नौकरानी, मानना पड़ेगा कहाँ तू काले लोगों से नफरत करती थी और तेरे ही घर में काली नौकरानी। सुनो बहन जी, तूने मेकअप करके रखा है? अरे मैं भी क्या सवाल पूछ रही हूँ, तू मेकअप कर ले चाहे कुछ और लगा ले, फिर भी लगेगी ऐसी की ऐसी ही, जैसी है बस सूरत की बस सूरत। इस तरह से नैना और उसकी दोस्त बेचारी अंजलि का मजाक उड़ा रही थी। कुछ समय बाद नैना की दोस्त वहाँ से चली जाती हैं। नैना को अपनी बहुत ज्यादा इंसल्ट महसूस होती है। उनके जाने के बाद नैना अंजलि की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसका हाथ मोड़कर कहती है, क्यों काली कलूटी, मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है, अगर कोई मुझसे मिलने आया करे तो अपनी काली शक्ल को लेकर कहीं दूर चली जाया कर, मगर तुझे मेरे इंसल्ट करवाने में बहुत मजा आता है। पता नहीं वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस दिन तू काली कलूटी हमारे घर में आई थी। बस मम्मी पापा जल्दी से यहाँ पर आइए। अरे मेरी शहजादी बिटिया, क्या हो गया, तू इतना क्यों भड़क रही है, इस काली कलूटी ने अब क्या कर दिया जो तेरा मूड खराब हो गया? मम्मी पापा, मैं इस काली कलूटी के साथ इस घर में एक छत के नीचे नहीं रह सकती। आपको पता है आज मेरे दोस्तों में इस काली कलूटी की वजह से कितनी ज्यादा इंसल्ट हुई है। बस अब मैंने फैसला कर लिया है, या तो यह काली कलूटी यहाँ रहेगी या फिर मैं। मेरी बेटी ने कह दिया तो कह दिया, आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, बहुत चला ली आपने अपनी मनमानी। अब मेरी बेटी का सवाल है, अब यह काली कलूटी इस घर में नहीं रहेगी। मैं भी सोसाइटी में जवाब दे देकर थक चुकी हूँ, अगर आपने इसे अभी के अभी घर से धक्के देकर बाहर नहीं निकाला तो मैं अपनी बेटी के साथ मायके चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। बेचारे चाचा अपनी बेटी और पत्नी के सामने मजबूर हो जाते हैं और वह अंजलि को घर से बाहर निकाल देते हैं। अंजलि रोते हुए घर से बाहर आ जाती है और एक जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर बहुत फूट फूट कर रोती है। माँ पिताजी आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मैं काली बदसूरत होने के ताने तो उस वक्त भी सुनती थी, लेकिन तब माँ आप मेरे साथ थी, आप मुझे दिलासा देती थी कि इंसान की सुंदरता चेहरे से नहीं दिल से होती है। लेकिन माँ सबको बाहरी सुंदरता ही पसंद है, किसी को दिल की सुंदरता नजर नहीं आती। देखिए मेरे रंग रूप की वजह से नैना दीदी ने कैसे मुझे घर से बाहर निकलवा दिया, अब मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ। इस तरह से अंजलि बहुत फूट फूट कर रो रही थी कि तभी वहाँ पर एक बहुत सुंदर परी आती है और वह अंजलि से कहती है, सुनो लड़की तुम क्यों रो रही हो, मैं परी लोक की रानी परी हूँ, मुझे बताओ क्या परेशानी है। परी जी आप तो इतनी ज्यादा सुंदर हैं, आपको मेरे दुख के बारे में नहीं पता, इस दुनिया में काला होना एक पाप है, इस दुनिया में सिर्फ गोरे और सुंदर इंसानों को ही सब कुछ माना जाता है, काले लोगों को तो सिर्फ दुत्कारा जाता है। अंजलि बस इतनी सी बात, तुम इस तरह से रो मत, यह लो मेरी जादुई नेल पॉलिश, इसे अपने हाथों पर लगा लो, इसके बाद इसका जादू देखना तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी और मेरी जादुई नेल पॉलिश की मदद से तुम जितनी चाहो उतनी धन दौलत भी मांग सकती हो। परी अपनी जादुई नेल पॉलिश देकर वहाँ से अदृश्य हो जाती है। परी के जाने के बाद जैसे ही अंजलि अपने हाथों पर वह नेल पॉलिश लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल अप्सरा की तरह। उसके बाद अंजलि जादुई नेल पॉलिश से बहुत सारी धन दौलत मांगती है और उसी धन दौलत से अपने लिए महल जैसा घर लेती है। अंजलि को हमेशा से ही मॉडल बनने का बहुत शौक था, लेकिन अपने रंग रूप की वजह से वह कभी भी ऑडिशन नहीं देती थी। जब वह सुंदर हो जाती है तो वह मॉडलिंग शो में ऑडिशन देती है तो उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। अंजलि की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि उसका बचपन का सपना मॉडल
बनने का पूरा होने वाला है। परी के जादुई नेल पॉलिश की मदद से जब इस बात की खबर नैना को लगती है तो वह आग बबूला हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी, वो नौकरानी काली कलूटी जो हमारे घर पर बर्तन मांजने का काम करती थी, आज वह मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट कर रही है। मैं भी वहाँ पर ऑडिशन देने गई थी लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उस काली कलूटी का हो गया। आपको पता नहीं, वह बहुत ज्यादा सुंदर हो गई, उसके पास बहुत सारी धन दौलत है। मम्मी, यह जादू कैसे हो गया? वह काली कलूटी इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई? मम्मी, वह काली कलूटी मॉडल बन जाएगी और मैं ऐसे ही रह जाऊंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा, जरूर उसने काला जादू किया होगा, तभी तो वह इतनी जल्दी इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। तो चिंता ना कर, मैं पता कर रहूंगी कि वह मनहूस इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई और उसके पास इतनी सारी धन दौलत कहां से आई। ऐसा कहकर सावित्री अंजलि के घर जाती है तो उसे परी की जादुई नेल पॉलिश के बारे में पता चल जाता है और वह उसे चुराकर घर लेकर आ जाती है और अपनी बेटी को लगाने के लिए देती है। जैसे ही नैना वह जादुई नेल पॉलिश अपने हाथों पर लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। तभी परी की जादुई नेल पॉलिश से आवाज आती है, यह परी की जादुई नेल पॉलिश तुम जैसे लालची और बुरे लोगों के लिए नहीं थी, यह तो सिर्फ अच्छे लोगों के ही काम आती है, उन्हीं की मदद करती है। तुमने बेचारी अंजलि के ऊपर बहुत अत्याचार किया, उसके रंग रूप का बहुत मजाक उड़ाया, तुम्हारी यही सजा थी, अब तुम्हारी बेटी ऐसी ही रहेगी। इतना कहकर जादुई नेल पॉलिश अंजलि के पास वापस पहुंच जाती है। नैना और सावित्री को उनके किए की सजा मिल जाती है और अंजलि परी की जादुई नेल पॉलिश की मदद से एक बहुत बड़ी मॉडल बन जाती है और वह बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजमहल था जिसके राजा बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय और दयालु थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और राजा भी अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन राजा बहुत उदास रहा करते थे क्योंकि उनकी बहुत तपस्या के बाद भी उनकी पत्नी रानी कलावती देवी माँ नहीं बन पा रही थी। इस वजह से राजा और रानी दोनों ही बहुत ज्यादा उदास रहा करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन राजा अपने सैनिक के साथ शिकार करके वापस आ रहे थे कि तभी वह देखते हैं कि एक सांप एक मेंढक को मारने वाला है। तभी राजा सांप को डराकर वहां से भगा देते हैं और मेंढक की जान बचा लेते हैं और उस मेंढक को पानी के अंदर छोड़ देते हैं। तभी वह मेंढक राजा से कहता है, राजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। अगर आप मेरी जान नहीं बचाते तो मेरे बच्चे अकेले रह जाते। मेरी प्रार्थना है कि आपकी जो भी मनोकामना है वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए, आपके मन की इच्छा अधूरी ना रहे। राजा की तो बस एक ही इच्छा थी कि उनके घर कोई संतान आ जाए और कुछ दिन बाद उनकी यह इच्छा पूरी हो जाती है। रानी कलावती देवी बहुत सुंदर बेटी को जन्म देती हैं। जब इस बात की खबर राजा को लगती है तो वह खुशी के मारे फूले नहीं समाते, वह बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पूरे राज्य में मिठाई बंटवाते हैं, ढोल ताशे बजवाते हैं, महल को दुल्हन की तरह सजवाते हैं। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। लेकिन इनके बीच इन खुशियों को ग्रहण लगाने के लिए कहीं दूर एक गुफा में एक चुड़ैल बैठी थी। जब उसे यह पता चलता है कि राजा सम्राट के यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया है तो वह गुस्से से लाल पीली हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राजमहल में सुंदर बेटी ने जन्म लिया है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने मुझे मेरी बदसूरती की वजह से ठुकराया था ना, मुझसे शादी नहीं की थी। मैं राजा को खुश नहीं रहने दे सकती, बिल्कुल नहीं। वह सम्राट शादी के बाद भी दुखी था क्योंकि उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी, लेकिन अब सुंदर पुत्री के बाद वह तो कितना खुश होगा, और मुझसे उसकी खुशी देखी नहीं जाएगी, कुछ तो करना होगा। ऐसा सोचकर वह चुड़ैल एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती है और राजमहल में पहुंच जाती है और वहां जाकर राजा सम्राट से कहती है, राजा जी, मैं आपकी बेटी से मिलना चाहती हूं, बहुत दूर से आई हूं।
राजा सम्राट बहुत खुश थे, इसलिए वह उस चुड़ैल को अपनी बेटी से मिलने की अनुमति दे देते हैं। रानी कलावती देवी के कक्ष में जाते ही रानी को गहरी नींद में सुला देती है और उसके बाद उनके सुंदर बेटी के ऊपर बहुत खतरनाक काला जादू करती है, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा काली और चेहरे पर निशान हो जाते हैं और वह पहले की तरह सुंदर नहीं रहती। यह देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। मैं यहाँ जो करने आई थी वो मैंने कितने आसानी से कर दिया। राजा सम्राट, तूने मुझे सिर्फ इसलिए दुत्कारा था ना कि मैं सुंदर नहीं दिखती थी। अब जब तेरी बेटी बदसूरत हो गई, इतनी ज्यादा काली हो गई, अब इसके रंग रूप की वजह से कोई इसे शादी नहीं करेगा। जब तुझे पता चलेगा अब तू पल पल तड़पेगा। इस तरह वह चुड़ैल बहुत खुश होती है और वहीं दूसरी तरफ राजा सम्राट ने परीलोक की परियों को भी आमंत्रित किया था। राजा की बेटी का नामकरण हो जाता है, उनका नाम राजकुमारी सुहाना रखा जाता है। एक एक करके सभी परियां राजकुमारी सुहाना के पास आती हैं, उसे अपना आशीर्वाद देती हैं, लेकिन किसी भी परी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। यह देखकर राजा सम्राट अचंभित हो जाते हैं। तभी एक परी हंसते हुए राजा सम्राट से कहती है, राजा जी आपके महल पर तो ग्रहण लग गया, बिल्कुल काली राजकुमारी है काली, इतनी ज्यादा बदसूरत राजकुमारी राजमहल में मैंने आज से पहले कहीं नहीं देखी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी पुत्री काली नहीं हो सकती, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो रही है। इतना कहकर जैसे ही राजा सम्राट अपनी बेटी का चेहरा देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ परियों को अपने ऊपर इस तरह से हंसता हुआ देखकर राजा को बहुत गुस्सा आता है और वह सभी परियों को वहां से भगा देते हैं और रानी कलावती देवी से कहते हैं, इतने बड़े राजा की बेटी काली, अब हमें अपनी इस काली बेटी की वजह से नजर झुका कर रहना पड़ेगा। राजा सम्राट, यह बात तो हमारे भी समझ में नहीं आ रही, हमारी बेटी बहुत ज्यादा सुंदर थी, फिर अचानक यह ऐसी कैसे हो गई, हमें खुद नहीं पता। कृपया करके आप इतना गुस्सा मत कीजिए, यह आपकी बेटी है, हम कभी इसे अपनी पुत्री नहीं मानेंगे। ऐसा कहकर राजा सम्राट बहुत गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी सुहाना बड़ी हो रही थी, लेकिन उसे अपने रंग रूप की वजह से बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता था। राजकुमारी सुहाना की माँ तो उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन राजा सम्राट तो उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखना पसंद नहीं करते थे। बेचारी अपने पिता के प्यार के लिए तरस रही थी। अब राजकुमारी सुहाना की उम्र शादी की हो चुकी थी, लेकिन उसके काले होने की वजह से, चेहरे पर निशान होने की वजह से जो भी कोई राजकुमार आता तो उसे दुत्कार कर चला जाता। रानी कलावती देवी हमारे एक मित्र हैं, हमने उन्हें आमंत्रित किया है, अपनी इस काली बेटी को अच्छे से तैयार कर देना, यहाँ मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए, यहाँ तो उस काली की शादी हो जानी ही चाहिए। राजकुमारी सुहाना अपने पिता की यह बातें सुन रही थी। अपने पिता के यह शब्द राजकुमारी सुहाना को तीर की तरह चुभते हैं और वह रोते हुए तैयार हो जाती है। राजा सम्राट के मित्र आ जाते हैं अपने बेटे के साथ, लेकिन जैसे ही उनके बेटे की नज़र राजकुमारी सुहाना के ऊपर पड़ती है तो वह अपने पिता से कहता है, पिताजी मैं इस काली से शादी नहीं करूँगा। यह रिश्ता भी होने से पहले ही टूट जाता है। अब तो राजा सम्राट की चिंता और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन राजकुमारी सुहाना अपने महल की तरफ आ रही थी, तभी कुछ लड़कियां उनका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, देखो तो राजकुमारी है, इसने कितनी महंगी ड्रेस पहनी है, गहने पहने हैं, फिर भी कितनी ज्यादा बदसूरत लग रही है। अगर यह सब कुछ हमारे पास हो तो हम तो किसी अप्सरा से कम नहीं लगेंगे। पता नहीं यह राजमहल में कैसे पैदा हो गई, इतनी काली। बेचारे राजा जी भी अपनी इस काली बेटी की वजह से बहुत दुखी रहते हैं, इसकी तो कहीं शादी भी नहीं हो रही। राजा की काली बेटी। इस तरह से सभी लड़कियां राजकुमारी सुहाना का बहुत मजाक उड़ाती हैं। राजकुमारी सुहाना रोते हुए जंगल की ओर भागने लगती हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती हैं।
आखिर मेरी क्या गलती है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? अगर मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ, दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं हूँ, तो इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं। बचपन से लेकर इतनी बड़ी होगी, लेकिन पिताजी ने कभी मुझे अपनी बेटी कहकर नहीं पुकारा, मेरी तरफ प्यार की नजर से नहीं देखा। उनकी प्यार की झलक पाने के लिए मैं कितना तरसती हूँ, और यह बाहर वाले भी तो मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है, कहने के लिए मैं एक राजकुमारी हूँ, लेकिन बिल्कुल अकेली, और मेरी शादी भी नहीं हो रही, उम्र निकले जा रही है। मेरी वजह से माँ पिताजी कितने दुखी रहते हैं, मैं अपने माता पिता के दुखों का कारण हूँ, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। ऐसा सोचकर जैसे ही राजकुमारी सुहाना नदी में कूदने के लिए छलांग लगाती हैं, तो तभी उन्हें एक परी रोक लेती है और वह राजकुमारी सुहाना से कहती है, नहीं राजकुमारी सुहाना, आप अपनी जान नहीं दे सकती। मुझे पता है कि आपके रंग रूप को लेकर आपका सब कितना मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि आपके पिताजी भी, लेकिन हमें किसी भी हाल में आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। राजकुमारी सुहाना, आप जानती हैं, आप बहुत सुंदर पैदा हुई थी, बिल्कुल परियों की तरह, लेकिन एक दुष्ट चुड़ैल ने जो तुम्हारे पिताजी से प्यार करती थी, लेकिन उनकी बदसूरती की वजह से राजा सम्राट ने उन्हें धुतकार दिया था। बस उसी का बदला लेने के लिए उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। परी जी, क्या आप उसके काले जादू को खत्म कर सकती हो, मुझे मेरे बचपन की तरह सुंदर बना सकती हो? राजकुमारी सुहाना, मैं आपको सुंदर तो नहीं बना सकती, लेकिन हाँ, मैं आपको एक वरदान दे सकती हूँ, जिसकी वजह से आप पहले की तरह सुंदर हो जाओगी। उसके लिए किसी भी राजकुमार को तुम्हें इसी रंग रूप में स्वीकार करना होगा, तुमसे शादी करनी होगी, तो तुम उसी समय बचपन की तरह सुंदर हो जाओगी। अच्छा राजकुमारी सुहाना, अब मुझे चलना चाहिए, अपना ख्याल रखना और मरने के बारे में कभी मत सोचना। वह परी राजकुमारी सुहाना को वरदान देकर चली जाती है। राजकुमारी सुहाना उदास थी, क्योंकि वह जानती थी कि कोई भी राजकुमार उन्हें इस रंग रूप में स्वीकार नहीं करेगा, और वह अपने घोड़े पर सवार होकर राजमहल जाने लगती हैं कि तभी वह देखती हैं कि कुछ जंगली जानवर एक राजकुमार को खाने वाले थे, वह उनके बीच में फंसे हुए थे। तभी राजकुमारी सुहाना अपने तीर का इस्तेमाल कर उन सभी जानवरों को वहां से भगा देती हैं। राजकुमार जख्मी हो गए थे, राजकुमारी सुहाना उनके जख्मों पर जड़ी बूटियां लगाती हैं। तभी वह राजकुमार राजकुमारी सुहाना से कहते हैं, हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राजा भानु प्रताप सिंह का बेटा राजकुमार वीर सिंह हूँ, और आप? मैं राजा सम्राट की बेटी राजकुमारी सुहाना हूँ, लेकिन आपको इस तरह से इस घने जंगल में बिना सैनिक के साथ नहीं होना चाहिए था। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं, दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब राजकुमारी सुहाना और राजकुमार वीर सिंह बगीचे में मिलने आया करते थे। धीरे धीरे राजकुमारी सुहाना को राजकुमार वीर सिंह से प्यार हो जाता है, लेकिन वह अपने दिल की बात उनसे कह नहीं पाती और सोचती हैं, नहीं नहीं राजकुमारी सुहाना, जो तुम्हारे दिल की बात है अपने दिल में ही रखो। राजकुमार वीर सिंह की रानी बनने के सपने देखना छोड़ दो, तुमने अपनी शक्ल आईने में देखी है, तुम कहाँ और वो कहाँ? ऐसा सोचकर राजकुमारी सुहाना बहुत रोती हैं। कुछ दिन बाद राजकुमार वीर सिंह अपने माता पिता के साथ राजकुमारी सुहाना के राजमहल आते हैं और राजकुमारी सुहाना से कहते हैं, राजकुमारी सुहाना, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मगर राजकुमार वीर सिंह, आपको मेरे रंग रूप से कोई आपत्ति नहीं है? आप मुझे इसी रंग रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? राजकुमारी सुहाना, हमें आपके रंग रूप से कोई आपत्ति नहीं है, क्या आप हमारी रानी बनेंगी? राजकुमार के प्रपोज करते ही राजकुमारी सुहाना का काला जादू टूट जाता है और वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती हैं, जैसे कि वह बचपन में थी। रानी, राजा, सम्राट अपनी बेटी को सुंदर देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और राजकुमारी सुहाना और राजकुमार वीर सिंह की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। कुछ समय बाद वह परी चुड़ैल को पकड़ कर लेकर आ जाती है और राजा सम्राट को सारी बातें बताती है। यह सुनकर राजा सम्राट को बहुत दुख होता है और वह अपनी बेटी से माफी मांगते हैं। मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दो, बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या कहा, मेरी प्यारी बेटी मुझे माफ कर दो। पिताजी,
मुझे मेरी सुंदरता मिल गई और मेरे पिता का प्यार भी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस दुष्ट चुड़ैल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राजकुमारी सुहाना राजकुमार वीर सिंह के साथ उनके महल चली जाती हैं और राजा सम्राट उस चुड़ैल को काल कोठरी में जंजीरों से बंद करवा देते हैं। इस तरह सभी की जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं।